बच्चों, वालेकुम सलाम मैम। आ गए वालेकुम हैं सब? सलाम। अभी यस मैम। 18 लोग आए हैं। या वेट कर ले अभी थोड़ी देर। ओके मैम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, मैंने आपको रिक्वेस्ट करनी थी कि इस क्लास की टाइमिंग्स चेंज हो सकती हैं। बेटे मेरा ख्याल है नहीं, इसकी टाइमिंग्स नहीं चेंज हो सकेंगी, क्योंकि बाकी लोगों के साथ फिर क्लैश आ जाएगा अगर किसी और की और टाइम पे होगी तो। और मैम, इसके कैंपस में क्लासेस होंगी या ऑनलाइन ही चलेंगी इसकी? अभी तो ऑनलाइन ही चलेंगी, क्योंकि हमें नोटिफाई नहीं किया उन्होंने कि आप ऑन कैंपस अभी स्टार्ट करते हैं या नहीं। लेकिन यह कि जिनकी मतलब 4-5 बजे तक हो रही है ना क्लासेस, उनकी ऑन कैंपस की ऑप्शन भी है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों की जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब दोनों डोजेज हो गई हैं। ठीक है, एससीपी आपने की अभी करवा ऑन ली कैंपस वैक्सीन? नहीं होगी। नहीं, अगर सबकी वैक्सीनेशन हो जाती है तो फिर इसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अब जो बच्चे नहीं होंगे तो फिर जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई वो कैसे करेंगे? ठीक है मैम। मैम आप क्या बता रही हैं, रिपीट कर दें। ये कह रही थी कि वैक्सीनेशन जिन बच्चों की हुई हुई है ना, सिर्फ वो ही आ सकते हैं कैंपस पे। ओके मैम। मैम दोनों डोजेस? हाँ जी, दोनों। ओके मैम, मिड्स के बाद चांस है कि हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे रोटेशंस के लिए? अभी बेटे इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। मैम इसका फाइनल कैसे होगा, जस्ट वाइवा? नहीं, एग्जाम होगा इसका। आपका रिटर्न एग्जाम भी तो होता है ना, कुछ परसेंटेज इसकी रिटर्न की होती है। नहीं मैम, हमारी प्रेजेंटेशन होती है, हाँ, अटेंडेंस होती है, लॉग बुक होती है और साथ में वाइवा होता है, रिटन एग्जाम नहीं होता इसका। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। क्लास प्रेजेंटेशन? अच्छा, प्रेजेंटेशन आपकी किस टॉपिक पे होगी, कुछ आइडिया है आप लोगों को? केस मैम प्रेजेंटेशंस जो होती हैं। जो नहीं मैम, जो लॉग बुक में आप टॉपिक्स पढ़ाएंगी ना, उसी को आप ग्रुप्स में डिवाइड करके आप हम लोगों को अलॉट कर देंगे कि एक ग्रुप ने इस टॉपिक को पूरा डिफाइन करना है, इसको ही करना है। अब हमारी मर्जी, हम उसमें केसेस डाल के करें या हम लोग लॉग बुक से करें या गूगल से करें, वो जैसे भी है वो फिर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है ठीक जब हो आप गया, ठीक कंप्लीट करा लेंगे कोर्स उसके बाद। है। मैम एक दफा प्लीज दोबारा रिपीट करते हैं। क्या बेटा, मैं तो कुछ नहीं बता रही थी अभी। आप लोगों में से कोई बोल रहा था कि प्रेजेंटेशन होगी इसकी, जो मैंने पढ़ाया है उसी की, और कैंपस पे अभी क्लासेस नहीं हो रही फिलहाल। जिनकी मॉर्निंग में है ना, उनकी दोनों ऑप्शंस हैं, मैम लेकिन वो सिक्स तो थर्टी लेकिन तो लास्ट लेकिन हाँ वो जी तो लास्ट एसपीटी की थी ना, तो आपको तो शेड्यूल उन्होंने न्यू दिया होगा कि आपको किस तरह, मतलब कि हमारी असेसमेंट प्लान वो तो आपको प्रोवाइड एसेसेस करेगी ना हाँ फैकल्टी, जी वो मेरे पास है आपका असेसमेंट प्लान। तो इस दफा भी हमारा सारा वही शेड्यूल है, लाइक असेस एक एक प्रेजेंटेशन होगी, लॉग बुक होगी और वाइवा होगा। हाँ जी ऐसे ही है। वाइवा आपका 35% है, लॉग बुक 35% है, अटेंडेंस के वेटेज 10% है, केस प्रेजेंटेशन 20% है। ओके वैक्सीनेशन करवाई किसी ने? मैम, अभी फर्स्ट यस डोज करानी है। फर्स्ट मैम, फर्स्ट डोज कराई हो गई फर्स्ट है। डोज। यस मैम, दोनों फर्स्ट डोज हो डोज गई। मैम मैम लास्ट मंथ करवाई है। दोनों डोज यस मैम। मैं वैक्सीनेशन का पूछ रही थी। मैम वही तो कह रहे हैं कि दोनों डोजेस हो गई हैं। अच्छा
मैम आप कैंपस में क्लासेस ले रही हैं? नहीं, मुझे अभी सिर्फ SCP 2 मिला हुआ है, आप लोगों के साथ ही हूँ मैं सिर्फ अभी। तो मैम आप मतलब कि उन्होंने मैं ऑप्शन तो दी है ना कि जिस चीज की वैक्सीनेशन हुई है वो कैंपस में आके ले सकता है क्लास, तो मैं पूछ रही हूँ कि आप कैंपस में डिलीवर कर रही हैं क्लास? नहीं, घर से कर रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब क्या अभी आप सिर्फ ऑनलाइन ले रही हैं क्लासेस? जी, ओके मैम, अगर कोई ऑन कैंपस आना चाह रहा है इस क्लास के लिए भी तो मैं कंफर्म कर लूंगी, फिर नेक्स्ट आपकी कैंपस पे भी हो जाएगी और ऑनलाइन भी हो जाएगी। मैम कैंपस तो इस मैम कोर्स का हमारा हॉस्पिटल रोटेशन ही है, कैंपस का हाँ तो ऐसा जी कुछ नहीं है इस कोर्स के लिए। हाँ जी नहीं है, मैम लेकिन ये कि आप क्या कर क्लास तो सकते बहुत हैं। लेट नहीं हो जाएगी? हम 7:30 8 o'clock फ्री होंगे, हाँ तो अगर मैम रोटेशन उस होंगे तो टाइम फिर हम वैन लोग आ या जाएंगे कुछ हॉस्पिटल अवेलेबल पे। भी होती है? लेकिन अभी कुछ कहा नहीं ना जा सकता, बात तो सारी यहीं पे ही खत्म हो जाती है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। यस मैम, आप नेक्स्ट क्लास से पहले कंफर्म कर लें डिपार्टमेंट से। चलें ठीक है, मैं कर लूंगी। कितने बच्चे हैं जो आना चाह रहे हैं? मैम आएंगे बच्चे लाइक अगर तो मतलब के अब इस तरह तो हर सब्जेक्ट नहीं ना मतलब के उस तरह हमें डिलीवर होता लाइक समझ में थोड़ी कम हाँ आती है ये तो ऑनलाइन है, ये तो है, इस तरह से मतलब वो थोड़ा हो जाता है। कॉन्सेप्ट जो बेसिकली होते हैं वो तो यही है कि कैंपस में अगर आप इंटरेक्शन आपके टीचर्स के साथ हो तो वो ज्यादा सही बेस्ट है। बात है, हाँ ये तो है, लेकिन क्या कह सकते हैं, मर्जी से तो नहीं हो रहा ना, ये तो कह लो कि मजबूरी है। इसीलिए तो चैलेंज कह रहे करें हैं स्टार्ट कि होगा। अब? यस मैम ठीक जी मैम है। आज हम जो है वो जनरल क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं उसमें से जो बहुत बेसिक और कॉमन चीज़ें होती हैं उनको देखेंगे कि उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और उसको किस तरह से असेस किया जा सकता है या उनको डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले आ जाता है स्किन कंडीशन है एक पैलर, ठीक है, इसको जो है कॉम्प्लेक्शन के थ्रू असेस किया जाता है। अब कॉम्प्लेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एक पिगमेंट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसकी बेस पे जो है आपकी स्किन स्किन का कलर होता है। अगर तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी यस मैम आपको आवाज यस नहीं आ मैम रही? मैम आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। मैम आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, स्क्रीन तो मैं शेयर कर भी नहीं रही हूँ, ये तो आपका वैसे ही लॉग बुक से ही मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है चीजें सारी और उनको थोड़ा डिफाइन करना है। आप लोगों को जो पॉइंट डिफरेंट लगे वो उसमें मैम बीच में पेज से। नंबर्स बता दें आप। मैम मैं आप लॉग बुक की PDF फाइल सेंड कर सकते हैं? ठीक है, मैम मैं कर पेज नंबर्स देती हूँ बता दें, फिर हम वहां जी, से वो खोल लिया कर करेंगे साथ। दूंगा। ठीक है, मैं आज का ये लेक्चर ले लो, मैं आपको आज ही मेल करती हूँ ये फिर, ठीक है? ओके मैम मैम, इतनी ओके मैम, इम्पोर्टेंट भेजिएगा जिसके प्लीज। पास लॉग बुक है यस वो मैम, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे। ठीक है, अगर तो ऑक्सीजनेशन जो होती है वो ब्लड की प्रॉपर होती है तो उसका तो जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो नॉर्मल होगा, ठीक है, जो पिंक कलर होता है ना स्किन का वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर उसकी वो कम होगा तो उसकी वजह से जो है पेल कॉम्प्लेक्शन आएगा। ये जो है ज्यादा क्लियरली जो है फेस और पाम्स के थ्रू ज्यादा क्लियरली पता चल सकता है कि किसी का कॉम्प्लेक्शन जो है वो नॉर्मल है या चेंज हुआ हुआ है। इसकी मेन रीजन एनीमिया हो सकती है या कोई शॉक हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, जो अचानक से जैसे किसी चीज से बंदा डर जाए तो उससे इसका जो है वो कलर एकदम चेंज हो सकता है स्किन का, ठीक है, लेकिन इसकी जो मेन कॉज होती है वो एनीमिया है। उसके बाद आ जाता है आपका साइनोसिस। साइनोसिस जो है वो ब्लू जो डिस्कलरेशन होती है स्किन की उसको कहते हैं। इसमें अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो less than 50 ग्राम पर लीटर होती है तो उसकी वजह से जो है इसका ब्लू शेड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है सेंट्रल साइनोसिस।
इसको जो है लाइक जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्कर होता है या जो एशियन कम्युनिटी है इनका कॉम्प्लेक्शन जैसे थोड़ा डार्कर होता है उसमें जो है इसकी डिटेक्शन जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है. सही से कलर का अंदाज़ा नहीं होता कि कलर चेंज हो रहा है और उसका लाइक अगर तो ब्लू का भी एग्जैक्टली ये नहीं होगा ना कि वो जैसे डार्क ब्लू या नेवी ब्लू होता है वो वाला शेड हो जाएगा, लेकिन टूवर्ड्स ब्लू होता है. इसमें जो है आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन का लेवल जो है वो 90% से जब कम होता है तो ये ज़्यादा विजिबल होता है और इसकी जो बॉडी पे लाइक जो विजिबल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसपे ये क्लियर होता है वो है लिप्स, टंग. उसके बाद इसकी अपोजिंग जो टर्म है वो है पॉलीसिथमिया. इसमें एचपी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है. इसमें ऑक्सीजन लेवल जब ज्यादा होगा ब्लड में तो ऑब्वियसली एचपी का लेवल भी ज्यादा होगा जिसकी वजह से जो है डार्कर कॉम्प्लेक्शन विजिबल होगा. हाइपोक्सिया होता है लोअर ऑक्सीजन लेवल, ठीक है. ये किसी भी टिश्यू लेवल पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ओवरऑल बॉडी में होगा, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकता है जहाँ पर डिऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर, ठीक है. उसके बाद आ जाता है पेरिफेरल साइनोसिस. ये मोस्ट विजिबल होता है हैंड्स में एंड फीट में. इसकी जो ये कह लो कि ये आपकी जो पेरिफेरल साइनोसिस है ये सेकंड स्टेज होती है. सेंट्रल साइनोसिस के बाद ही आप जो है वो पेरिफेरल साइनोसिस की स्टेज की तरफ जाते हो, ठीक है. और दूसरा ये कि ये इसकी रीजन एक और ये भी हो सकती है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही. अब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर किस में नहीं होती है? बच्चों सब सो गए हो? मैम सुन रहे हैं. मैं पूछ रही हूँ ब्लड सर्कुलेशन किन केसेस में जो है वो पुअर हो सकती है या ब्लड सर्कुलेशन का इशू किस में हो सकता है, क्या ऐसा मसला होगा कि जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगी? मैम अगर हमारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्लूडेड हैं किसी चीज से, कोई प्लैक फॉर्मेशन है तो, या वो दूसरे केस में अगर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है किसी भी मैसिव. हाँ जी एग्जैक्टली, ठीक है. नैरोड जो आर्टरीज होती हैं किसी भी हेल्थ कंडीशन की वजह से अगर वो नैरो हो जाती हैं तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पुअर हो जाती है. उसके अलावा जो है ये कंडीशन जो है इस चीज़ का भी रिस्पांस होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई कोल्ड या स्ट्रेस या कोई इमोशनल इस तरह का ट्रॉमा है तो उसमें भी ये एकदम से जो है ट्रिगर हो सकता है ये वाला फिनोमिना, और उसकी वजह से जो है आपके हाथों और पांवों की जो है वो रंगत चेंज हो सकती है टुवर्ड्स ब्लू हो सकती है कलर उसका, ठीक है. मैम ये ओबेसिटी में भी हो सकता है? नहीं बेटे ओबेसिटी में नहीं है ये. ओके फिर उसके बाद है इसमें एक टर्म यूज हुई हुई है मेलानिन. मेलानिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन की जो पिगमेंटेशन होती है या स्किन का जो कलर होता है इस पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया. नेक्स्ट है जी हमारे पास विटिलिगो. ये कंडीशन जो है जैसे वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने मछली खाई और उसके बाद दूध पी लिया तो उसकी स्किन पे पैचेस हो जाते हैं, तो Yes, ये कंडीशन वो है लेकिन ये उस फिश की वजह से नहीं होता, ठीक है. वो एक बहुत स्पेसिफिक काइंड है उसकी वजह से होता है जो कि यहाँ हमारे कहीं दूर दूर तक भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है. ये भी एक स्किन कंडीशन होती है. ये जी क्या नेम है मैम इसका? विटिलिगो. ओके मैम. किसी भी एज पे जो है ये ट्रिगर हो सकती है और इसमें जो है पैचेस बन जाते हैं, ब्राउन वाइट पैचेस पूरी स्किन पे हो जाते हैं, ठीक है. किसी ये थोड़े पार्ट में भी हो सकता है, पूरी बॉडी पे भी हो सकता है और इस तरह से ये वेरी करता है.
नेक्स्ट जो एक कंडीशन आती है स्किन की, वो है एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म में जो है वो कह लो कि कंप्लीट एब्सेंस होती है मेलेनिन की, या वो बहुत माइनर अमाउंट में होता है उनके। कह लो कि हेयर में भी कलर नहीं होता, लैशेस में भी नहीं होता, और ये स्किन का भी जो है वो कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल वाइट होता है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? ओके मैम। जी मैम। यस मैम। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर मेंशन है आपके पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स हैं, इसमें चार हैं चीजें, एडिसन्स डिजीज, हेमोक्रोमेटोसिस, क्लॉज्मा, कैफे ऑलेट स्पॉट्स। इनकी जो डेफिनेशंस है ना, ये आपने खुद लिखनी है। आप लोगों के पास बेड साइड टेक्निक्स बुक है सॉफ्ट फॉर्म में? यस मैम। ठीक है, आपने उसको माइंड में रखते हुए वहां से आपने देखकर तो इनको डिजीजेस को एक्सप्लेन करना है, इसमें मेंशन करना है। ठीक है? ओके मैम। उसके बाद जिस कंडीशन का जो है वो स्किन पे या कॉम्प्लेक्शन पे कह लो के असर होता है, या जो कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर देती है, वो आ जाती है जॉन्डिस। जॉन्डिस में जो आईज का वाइट पार्ट होता है वो भी पेल हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी पेल होती है, और स्किन का कलर भी येलो हो जाता है। इसमें सीरम जो है, अच्छा, जॉन्डिस जो है वो तब डायग्नोज होता है जब बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है लेस देन 50 माइक्रोमोल पर लीटर होती है। ठीक है? अब इसमें जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन का मैंने आपको बताया, ये पर्निशियस एनीमिया और जॉन्डिस की जो कह लो कि स्किन का कॉम्प्लेक्शन है ना, इससे ये थोड़ा ओवरलैप करता है। पर्निशियस एनीमिया में जो है इसका लेमन येलो कलर हो जाता है स्किन का, क्योंकि इसमें जॉन्डिस और एनीमिया की जो है वो कह लो के सिम्टम्स जो है वो जब कंबाइन हो जाते हैं, जो स्किन के कॉम्प्लेक्शन को चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से जो है इसका लेमन येलो कॉम्प्लेक्शन होता है। और अगर जो है जॉन्डिस प्रोलॉन्ग करता है तो बिलिवर्डिन एक इसका वो डेरिवेटिव होता है, उसकी वजह से जो है ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है? और वो भी स्किन में और आईज के वाइट पार्ट में विजिबल होता है। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आयरन। आयरन में सबसे पहले हमारे पास है हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें जो है स्किन की पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो है कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर ब्राउन से स्पॉट्स होते हैं। ठीक है? वो ये जो है हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से होता है। यस मैम। लेकिन अगर ये हाइपर पिगमेंटेशन जो है किसी डायबिटिक पेशेंट में हो तो उसको ब्रॉन्ज डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हेमोसाइड्रिन। ये एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन का। इसकी डिपोजिशन जो है वो लोअर लिम्स में होती है, और इसकी जो कह लो कि नीज से नीचे नीचे जो लेग्स का पार्ट होता है काफ्स में, ये ज्यादा प्रोमिनेंट होती है इसकी पिगमेंटेशन। ये बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एक जो लोकल डिपोजिशन ऑफ हेमोसाइड्रिन जो है वो हीट डैमेज की वजह से भी हो सकती है। अगर कोई मतलब ज्यादा किसी कह लो कि आग के पास या हीट के पास या हीटर के पास बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो ये पिगमेंटेशन हो जाती है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एडिमा। एडिमा जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की वजह से जो है, जब उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है एडिमा होना शुरू हो जाता है। मतलब सराउंडिंग टिश्यूज जो होते हैं वो स्वेल अप होना शुरू हो जाते हैं। अब जो जनरलाइज्ड एडिमा होता है
वो आपकी थ्रू आउट द बॉडी किसी भी वो उसमें हो सकता है पार्ट में, ठीक है। लोकलाइज्ड एडिमा हम कहेंगे कि सिर्फ जो एक सर्टेन पॉइंट पे होगा, जैसे अगर किसी को लिम्फ नोड्स का इशू है तो वो स्वेलिंग जो है वो उसी पार्ट में होगी, वो एडिमा उसी पार्ट के लिए होगा, तो उसको कहेंगे हम लोकलाइज्ड एडिमा। इसके अलावा जो है एडिमा की रीजन जो है वो कोई भी हार्ट डिजीज या किडनी डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर हो सकता है। हार्ट डिसऑर्डर इस तरह से है कि जब ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो रही, ब्लड सही तरह से पंप नहीं हो रहा पूरी बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है एडिमा होना शुरू हो जाता है। लोअर लिम्स में स्पेशली ये ज्यादा होता है। अगर किडनीज का कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी के प्रॉपर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे, सोडियम रिटेंशन हो रही है, सोडियम रिटेंशन की वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो रही है जो कि एडिमा कॉज करेगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है पोस्टुरल एडिमा। ये एक किसी एक जो पेशेंट्स होते हैं ना जो 45 डिग्री एंगल पे जिनको लिटाया हुआ होता है, जो बेड रिडन होते हैं या जो कह लो के जो बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, ये एडिमा की जो है टाइप उनमें ज्यादा कॉमन होती है। ये ज्यादा देखी जा सकती है लोअर लिम में। उसके बाद आ जाता है जी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एडिमा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी यही पॉइंट इन्होंने कवर किया हुआ है कि किस तरह से अगर कोई आप किसी भी बॉडी पार्ट पर देखते हो स्वेलिंग हो रही है, या जैसे कह लो कि अगर फ्लूइड रिटेंशन जैसे एसआईटीज में होता है, सिरोसिस की जो मतलब लिवर सिरोसिस की जो लेटेस्ट स्टेजेस में जब एसआईटीज होने लग जाती है, फ्लूइड रिटेंशन होती है, तो उसकी वजह से भी एडिमा होता है। ठीक हो गया। इसमें फेस, हैंड, फीट ये आप और लोअर लिम्स ये जो है वो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं जहां पर जो है एडिमा को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फिर पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा जो है ये आपकी उसमें असाइनमेंट में आ जाएगा, जो आपने ये खुद करना है। पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा का पता है किसी को? यस मैम, पिटिंग एडिमा में लोअर लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, ये डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है, और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल हम इसको आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम अपने थंब से प्रेस करते हैं तो वहां मार्क रहता है, बहुत सेकंड लगता है वो दोबारा इंप्रेशन रिमूव होने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको आपने जो है कॉमन है पिटिंग के लिए, इसमें जो है आपने इसको ये टाइप्स ऑफ एडिमा में जो है ये आपने इसको मेंशन करना है, और साथ में इसके एग्जांपल्स भी मेंशन कर देना कि ये किस सिचुएशन में जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा जी, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, पॉइंट है सॉरी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की कोई आप लोग बताओ कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और क्यों होता है, मेन रीजन क्या है इसकी? इसमें ड्राई स्किन हो जाती है डिहाइड्रेशन में। अच्छा, और इसकी मेन कॉज क्या होती है डिहाइड्रेशन की? डायरिया। और कोई भी चीज जो फ्लूइड लॉस, मैम वोमिटिंग वगैरह जो होती है, हाँ जी, फ्लूइड लॉस को जो भी चीज प्रमोट करती है उसकी वजह से जो है डिहाइड्रेशन होती है, उसमें आ जाता है वोमिटिंग, आ जाता है डायरिया, स्वेटिंग, एक्सेसिव यूरिनेशन, ये सारी चीजें जो है डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं। यस मैम। इसके बाद आ जाता है जी, आप इसको असेस कैसे करोगे? एक तो ड्राई स्किन बताया था, और मैम जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है, टायर्ड फील होती है इससे जी पेशेंट को। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ टंग भी है इसमें, आईज जो है वो ऐसे संकन फील होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होता है ना, उसकी आंखें होती हैं जिस तरह से, इस तरह से इनकी आईज भी होती हैं जो डिहाइड्रेटेड पर्सन होता है।
पल्स जो है वो रैपिड होती है लेकिन ब्लड प्रेशर लो होता है और यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। मैम इसमें वेट लॉस भी हो जाता है ना? हाँ जी वेट लॉस भी होता है और इसको जो है अगर मतलब किसी को पहले का वेट पता है और अगर कोई डिहाइड्रेशन का केस आता है, स्वेयर डिहाइड्रेशन होती है, तो उसका वेट के थ्रू भी पता चल सकता है, आइडिया हो सकता है कि इसको डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो वेट लॉस हुआ है। यस मैम। मैम ये जो आपने असाइनमेंट दी है एडिमा वाली, जी इसमें पहले एडिमा को एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद आगे टाइप्स करनी है। जी बिल्कुल। मैम ये आपको हैंड रिटन नहीं बच्चे, ये आपने लॉग बुक में ही मेरा ख्याल है मेंशन करनी होती है। yes, या अलग से सबमिट करवाते हो? मैम वहीं पे हमने लॉग बुक में असाइनमेंट नहीं लॉग बुक एट द एंड सबमिट कराएंगे तो हमने उसी में अपने क्वेश्चंस फिल करने। चले ठीक है, ये मैं आप लोगों को अभी मेल कर देती हूँ। आज का हमारा जो है वो लेक्चर इतना सा ही था और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। मैम आप असाइनमेंट का बता रही थी, काइंडली दोबारा से रिपीट कर देंगी? असाइनमेंट का क्या बता रही थी मैं? मैम आप जो कह रही लॉग बुक में क्वेश्चंस फिल करने हैं इनके बारे में दोबारा से बता दें। लॉग बुक में ही मेंशनड है और यहाँ पर स्पेस भी है। पहले तो पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स हैं चार, ये आपने मेंशन करने हैं, ठीक है? एडिसन्स डिजीज, हेमोक्रोमेटोसिस और क्लॉज्मा है, कैफे ओलेट स्पॉट्स हैं, ये आपने मेंशन करने हैं। और उसके बाद जो है आपने पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा इसको मेंशन करना है, इसकी एग्जांपल्स दे देना साथ। और उसके बाद डिहाइड्रेशन का तो हाँ, और ये बच्चों डिहाइड्रेशन के पार्ट में भी जो आपकी स्किन लेजेंस की आ रही है ना, आज आपका सेकंड लेक्चर है तो ये भी आपने इसमें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्लास तक कर लेना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो। ये टर्मिनोलॉजीज फॉर स्किन लेजेंस है, तब मैं भी इसको देख लूंगी और आप लोग भी इसको जो है ना वो कंप्लीट कर लेना, तो फिर डिस्कस कर लेंगे। मैम लॉग बुक पे ही करनी है ना, एक्स्ट्रा जी तो जी नहीं बच्चे? नहीं नहीं इसी में ही करना है आपने। मैम पीडीएफ सेंड कर दें आप फिर इसका? हाँ जी मैं आपको अभी करती हूँ सेंड थोड़ी देर में। ठीक है मैम, ठीक हो गया, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? एसटीपी ऑन कैंपस नहीं होगा बच्चे? अभी ना पहले यही बात हो रही थी, एससीपी ऑन कैंपस तभी हो सकता है जब सब बच्चों की जो है वो दो डोजेस कंप्लीट हो गई हुई हैं। ओके मैम थैंक यू। कितने बच्चों की जो है वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है? मैम सेकंड डोज रहती है मैम मेरी, कब है सेकंड डोज? मैम 28 डेज बाद, 28 डेज बाद लगती होती है, फर्स्ट डोज तो हो गई है। मैम 21 डेज बाद लगती है, मुझे 21 डेज बाद लगी है। हां जी सिनोफार्म की 21 डेज के बाद लग रही है और सिनोवैक की 28 डेज के बाद है। सही हो गया। चलें ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? मिस अगर मेल तो मैं आपको अभी कर देती हूं। मिस अगर ऑन कैंपस की क्लास हुई तो इसका स्लॉट आप चेंज करवा दें, क्योंकि ना 8 बजे के बाद कोई वैन नहीं चलती 7 बजे के बाद। चले ठीक है, मैं ना कल ही पूछती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेल कर दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है? अगर आप लोगों के पास ऑप्शन हुई तो। मैम एक क्वेश्चन है प्लीज। जी जी मैम, सेंट्रल साइनोसिस का आप एक बार बता दें काइंडली। जी मैं बता देती हूँ, सेंट्रल साइनोसिस जो है आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन का लेवल जब 90% से कम होता है, आर्टरीज में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना जी, तो जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 90% होती है तो तब ये जो है विजिबल होता है, ठीक है? और इसकी जो कह लो के डिटेक्टेबल बॉडी पार्ट है ना वो आपकी होती है टंग और लिप्स। ओके मैम ठीक है, और इसके लिए प्रॉपर लाइटनिंग भी जरूरी होती है। लाइटनिंग का भी जो है कॉम्प्लेक्शन पे असर पड़ता है, उसका इम्पैक्ट होता है। तो जो है ये नहीं होती लाइक अगर कोई येलो लाइट में है तो वो ऑब्वियसली पेल ही लगेगा, ठीक है? प्रॉपर लाइट और लिप्स और टंग की जो है उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरी टर्म जो इसमें थी पॉलीसिथमिया, उसमें यह है कि एचपी का लेवल जो है वो
ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर किसी की आयरन ओवरडोज चल रही है या किसी भी वजह से जो है वो आयरन जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा या यूटिलाइजेशन के बाद जो है वो एक्सेसिव अमाउंट है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से जो है वो एचबी का लेवल ज्यादा हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो लेने लगी हूँ। आप लोगों ने अभी मीटिंग लीव नहीं करनी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम वो लास्ट क्लास में मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी, लाइक वो पार्टिसिपेंट्स का इशू था। तो वो तब मेरा अभी वो जो है ना बेसिक अकाउंट था, तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया। अगर आपने मुझे मेल कर दिया तो फिर आपकी अटेंडेंस लग गई होगी। मैम मुझे नहीं पता था कि आपको मेल करनी है, लेकिन मेरा उस दिन मैं आई थी तो, लेकिन ये था कि ज्वाइन नहीं हुई थी, तो मैं आपको मेल कर दूं। ठीक है, मैं आपकी मार्क कर देती हूँ। माहम रशीद। मैम मेरा भी सेम इशू था। ठीक है बच्चे, मैं आपकी मार्क कर देती हूँ। जब आपका मैं नेम बोलूंगी ना, तो फिर आप मुझे मेंशन कर देना कि आप लोग कल भी आए थे, लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो कम होने की वजह से आप लोग क्लास नहीं अटेंड कर सके। माहम रशीद प्रेजेंट है। जुबदा ताहिर। मोहम्मद उसामा। राबिया सज्जाद। यस मैम प्रेजेंट। राबिया सज्जाद प्रेजेंट है। जी मैम प्रेजेंट। आमना अमार बट प्रेजेंट। मैम पहले वाली भी कर दे, उसमें भी ज्वाइन नहीं हुई थी। ओके बेटे। कायनात जमील। जिश्मा कमर। इफ़ज़ा इद्रीस। रीबा जावेद। मैम अरीबा जावेद प्रेजेंट। ओके। और लास्ट क्लास में भी प्रेजेंट थी। ओके बच्चे। मायदा नूर। नेहा प्रेजेंट मैम। मायदा प्रेजेंट। ओके प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। मुनज्जा जमीर। मैम प्रेजेंट। आदिल रियाज। मैम नज़ीर प्रेजेंट। ठीक है। आदिल रियाज। मनाहिल काशिफ। मैम डबल प्रेजेंट, लास्ट क्लास में भी प्रेजेंट थी। ओके बेटे, आपकी भी हो गई। ईशा। ईशा तो राजिया। ये एब्सेंट है। नूर फातिमा। मैम डबल प्रेजेंट। माहरुख ताहिर। प्रेजेंट मैम। मोइजुर रहमान। प्रेजेंट मैम। खतीजा शकील। मैम रामू इज प्रेजेंट। ओके बेटे, आपकी लग गई अटेंडेंस। जैन अली अब्बास। प्रेजेंट मैम। मरियम सैफ। डबल प्रेजेंट मिस। आमना फारूक। प्रेजेंट। अमरीन अशरफ। प्रेजेंट। अज़का रहमान। माहम फातिमा। प्रेजेंट मैम। वरदा मुस्तकीम। प्रेजेंट मैम। रबिया इमरान।
राबिया सलमान, निम्रा शहजाद प्रेजेंट मैम, राबिया सलमान प्रेजेंट, ओके, निम्रा शहजाद, खतीजा जफर प्रेजेंट मैम, अतिया अशरफ प्रेजेंट मैम, अजका तारिक प्रेजेंट, मुबीन तनवीर प्रेजेंट मैम, अफीफा सज्जाद मैम प्रेजेंट, सोहा आमिर डबल प्रेजेंट मैम, अत्रुबा असलम डबल प्रेजेंट मैम, राजिया नईम अरुषा सैयद प्रेजेंट मैम, हिना अरशद प्रेजेंट मैम, माहद महमूद प्रेजेंट मैम, रवान नदीम खान प्रेजेंट डबल प्रेजेंट, मोमिना आसिफ प्रेजेंट मैम, ऑन अहमद सिद्दीकी प्रेजेंट मैम, हाफिजा लाइबा तोकीर प्रेजेंट मैम, अरीज रब्बानी प्रेजेंट मैम, अक्दस इकबाल सारा रियाज प्रेजेंट मैम, लाइबा सरफराज डबल प्रेजेंट, ईमान तोकीर प्रेजेंट मैम, महनूर खान प्रेजेंट, फिजा नवीद राफिया नाज नूर फातमा फसीहा जाहिद जाहिद हुसैन मैम, फिजा नवीद डबल प्रेजेंट, मैं लास्ट क्लास में भी थी, ओके ओके, बीनिश इशाक प्रेजेंट मैम, जाहिद हुसैन जैनब इमरान प्रेजेंट मैम, हिना अब्बास प्रेजेंट मैम, मैम लास्ट क्लास की भी ठीक है, तो मरियम राशिद मैम जी जी बच्चे, फिजा नवीद हाँ जी बच्चे डबल प्रेजेंट, हाँ जी आपकी तो मार्क हो गई है, थैंक यू मैम, मरियम राशिद डबल प्रेजेंट, मरियम राशिद ठीक है, खतीजा अकबर डबल प्रेजेंट मैम, मासूमा जाहरा डबल प्रेजेंट मैम, सवेरा फारूक मासूमा जाहिरा प्रेजेंट है डबल प्रेजेंट मैम, मैं पिछले क्लास में ठीक है ठीक है ठीक है, सवेरा फारूक राबिया अली जाहिरा प्रेजेंट, राबिया अली प्रेजेंट, ओके बच्चे, जाहिरा ईमान अली या एमन अली है, एमन अली मैम, आपने राबिया के बाद आयशा जाहरा बोला था, राबिया अली के बाद जाहरा बोला, ओके मैम, एमन अली सायरा महबूब आयशा मुगल सायरा महबूब प्रेजेंट मैम, आयशा मुगल प्रेजेंट, ओके, खतीजा साजिद डबल प्रेजेंट मैम, सना शहजादी प्रेजेंट मैम, नाबिया ताहिर डबल प्रेजेंट मैम, उशना नसर डबल प्रेजेंट मैम,
नूर फातिमा, एमन नसीर, प्रेजेंट मैम, डबल प्रेजेंट, रिजवानुल हक, प्रेजेंट, मोहम्मद जैन रजा, सादिया अदील, अरीबा जमील खान, सादिया अदील प्रेजेंट, अरीबा जमील खान, जोहा अहमद, प्रेजेंट मैम, महनूर तारिक, प्रेजेंट, मारिया मंशा, प्रेजेंट मैम, ईमान अनवर, डबल प्रेजेंट, फिंजा गुल, तूबा साबिर, डबल प्रेजेंट मैम, अरीबा आसिम, प्रेजेंट, हुमा इजाज, डबल प्रेजेंट मैम, इस्मा, डबल प्रेजेंट मैम, रहमान तारिक, कायफा जफर, प्रेजेंट मैम, कुनैन फातिमा, इकरा रियाज, राबिया लियाकत, मैम इकरा रियाज प्रेजेंट, ओके, सैयदा जुखरुफ अजीज, प्रेजेंट, समीरा, प्रेजेंट मैम, समीरा नाम ही है ना बच्चे आपका, यस मैम, ओके, सैयदा गनवा बुखारी, डबल प्रेजेंट मैम, निमरा नकवी, प्रेजेंट, जजा अलमास, प्रेजेंट, अरीबा जाहिद, प्रेजेंट मैम, डबल प्रेजेंट, सदफ इलियास, प्रेजेंट मैम, सैयदा नूरुलैन, आयजा हाशमी, डबल प्रेजेंट मैम, जरमीन ताहिर, डबल प्रेजेंट मैम, सोबिया मंसूर, डबल प्रेजेंट, अरीज आसिफ, प्रेजेंट मैम, हुमैरा सईद, प्रेजेंट मैम, जीनत अनवर, डबल प्रेजेंट, अनम असलम, डबल प्रेजेंट मैम, इकरा असगर, डबल प्रेजेंट मैम, महक जहान, डबल प्रेजेंट मैम, अब्दुल रहमान इरफान, प्रेजेंट मैम, अनीला नासिर, अक्सा मुकद्दस, अमीरा इरफान, डबल प्रेजेंट मैम, आपका नाम दो दफा आया ना अमीरा, नो मैम मैंने तो अभी सुना है अपना नेम, अच्छा ठीक है, महनूर आसिफ, प्रेजेंट, रिदा जैनब, प्रेजेंट, जैनब सलीम, प्रेजेंट मैम, आयजा राशिद, मैम आप दोनों क्लासेस की प्रेजेंट लगा रही हैं, मतलब लास्ट क्लास की भी और इस क्लास की भी, लास्ट क्लास की मेरे पास है, आयजा राशिद प्रेजेंट मैम, आयजा राशिद प्रेजेंट, ठीक है अगर कोई डबल प्रेजेंट बोल रहा है तो उसकी उसकी कंफर्म कर रही हूँ मैं, मैम राबिया सलमान मैं भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थी तो आप देख सकते हैं, आपकी मैंने पिक्चर वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ओके मैम, मैम अक्षम कद्दस, हाँ जी,
नाम नहीं आया अभी। अच्छा मुकद्दस, मैंने बोला था बच्चे अनीला नासिर। मैम ईशा तुराजिया। मैम डबल प्रेजेंट ईशा तुराजिया। आई गेस ये गुजर गया है। मैम मेरा नेट पे इशू था। ओके मैं मैम एमन अली। अब एमन अली कहाँ पर है? मैंने आप लोगों के नाम पहले बोल दिए हैं मेरा हाल है। ईशा तो मैम जी लगा दी मेरी अक्षा मुकद्दस को। जी जी आपकी मैंने लगा दी है बेटे। मैम वो रैंडम आप नाम बोल रही हैं आज का नाम। यस मैम रैंडम नाम बोल रही हैं तो समझ नहीं आ रही। मुझे तो इसी सीक्वेंस से बच्चे आप लोगों के वो मिली हुई है लिस्ट। मैम पहले अल्फाबेटिकली होते हैं ना। अच्छा 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 नहीं इसमें तो नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है इसमें। मैम रैंडमली आप ले रहे हैं। नहीं मैं रैंडमली नहीं ले रही, मुझे रिस्ट जो लिस्ट है वो रैंडम मिली हुई है। मैम ये ईशा का नाम जो है ना वो मुझसे गुम गया है, मुझे मिल नहीं रहा। ये जाहिद का नाम है, हम गुजर गए। मैम मेरा डबल प्रेजेंट है, पिछली दफे प्रेजेंट था लेकिन जॉइन नहीं हुआ था एंड पे मीटिंग में। अच्छा जी आपने मेल की थी? जी मैम मैंने मेल। ठीक है मैम कर ली जो रहते हैं उनके पहले लेने, नमाज का टाइम हो रहा है। ओके शहला इकबाल डबल प्रेजेंट मैम। आयशा जमशेद प्रेजेंट मैम। हाजरा तारिक डबल प्रेजेंट मैम। सिद्रा अब्बास मैम आपने सिद्रा अब्बास सुने? हाँ जी। यस मैम प्रेजेंट सिद्रा अब्बास। आयमा यार प्रेजेंट मैम। आयशा हसन Excuse me, ma'am. जी बच्चे। मैम आदिल रियाज। अभी आप वेट करें। आयशा हसन। ओके मैम। बशीर अशरफ मैम बशायर अशरफ प्रेजेंट। बशायर अशरफ सॉरी बच्चे बशायर अशरफ। सारा अली प्रेजेंट। विशा ताहिर प्रेजेंट मैम। मरियम इम्तियाज जैन इफ्तिखार यस मैम। आयशा समिया आयशा सुमैया डबल प्रेजेंट मैम। मैम मेरी लगी जी। निम्रा अफजल हसन मुमताज मैम निम्रा अफजल प्रेजेंट। हसन मुमताज डबल प्रेजेंट मैम। डबल प्रेजेंट मैम। मैम मेरा नेट चला गया था, आधी से ज्यादा मैंने क्लास ली थी, आप जूम रिकॉर्डिंग से चेक कर लीजिएगा। ठीक है थैंक यू मैम। निम्रा अफजल प्रेजेंट है ना? ठीक है हो गई है सबकी अटेंडेंस। अब जो बच्चे रह गए हैं ना वो मुझे अपना नाम बताएं, बाकी सारे बेशक लीव कर दें अभी। मैम आदिल रियाज। आदिल रियाज एक मिनट रुके बच्चे लगाते हैं। ठीक है हो गई आदिल रियाज। और कौन रह गया? मैम इमन अली। मैम साहिद हाँ जी बताएं। आदिल रियाज इमन अली एमन अली मैम ईशा तुराजिया। ईशा तुराजिया ठीक है। और जाहिद हुसैन। मैम जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन हो तो गई है आपकी? ठीक है मैम मेरी भी कंफर्म कर दे हो गई है ना मेरी अमीरा इरफान। ठीक है आपकी भी हो गई है? ओके मैम थैंक यू। मैम मेरी भी कंफर्म कर दें काइंडली मायदा। हाँ जी बच्चे आपकी भी हो गई है। थैंक यू।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।